नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से ये संदेह पैदा हो रहा है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सरकार का रवैया उन चैनलों और उन मीडिया संस्थानों के प्रति इतना नरम क्यों है, इतना पक्षपातपूर्ण क्यों है, जो लगातार समाज में दुर्भावना फैला रहे हैं, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द पर प्रहार कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर करके उनको आपस में लड़ाने की, उनके बीच में संदेह और अविश्वास का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये ताज़ा मामला सुदर्शन टीवी का है। मामला ताज़ा नहीं है, लेकिन इसमें जो नया डेवलपमेंट हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। सुदर्शन टीवी का मामला आप जानते हैं कि वो UPSC जिहाद नाम के कार्यक्रम को अपने चैनल पर चलाना चाहता था बिंदास बोल के तहत, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी, और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था सरकार से कि वो इस मामले की जांच करके बताए कि वो क्या कार्रवाई करने जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की आदेश पर केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें कुछ ऐसी बातें की हैं, कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनको लेकर, जो मैंने अभी आपके संदेह जाहिर किए हैं, सरकार की मंशा को लेकर वो पुख्ता होते हैं। आज हम इन्हीं संदेहों पर, सरकार की मंशा पर, सरकार के कामकाज के ढंग पर और सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये पर बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अनुरोध ये है कि अगर हमें सच को बचाना है, और सच को बचाना ही है, क्योंकि सच नहीं बचेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा, तो सच को बचाने के लिए हमें जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसको बचाना होगा, क्योंकि वही सच को आगे ले जाने का काम करती है। गोदी मीडिया से आप सत्य की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, वो सत्य को तोड़ता मरोड़ता है, अपने सच गढ़ता है, बल्कि लगातार झूठ ही फैलाता है। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आप और हम स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ खड़े हों, उसकी ताकत बने। सत हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए कोई भी सदस्यता चुन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि पत्रकारिता के उसूलों पर चलाए जा रहे sathindi.com को आपका ये सहयोग, ये समर्थन, ये प्रोत्साहन अवश्य मिलेगा। तो आइए अब वापस मुद्दे पर लौटते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या केंद्र सरकार ऐसे न्यूज चैनलों, ऐसे मीडिया संस्थानों के प्रति पक्षपात दिखा रही है, जो समाज में कहना चाहिए कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ परोस रहे हैं। सुदर्शन टीवी का मामला है, और सुदर्शन टीवी के चाल चरित्र को आप बखूबी जानते हैं, उनके जो मालिक है सुरेश चौहान के, उनके बारे में भी आपको पता है, और ये पूरा चैनल जो है जिस तरह के कंटेंट को दिखाता है, बनाता है, वो उससे सभी वाकिफ हैं। और जो UPSC जिहाद वाला जो मसला था उससे भी आप परिचित हैं कि किस तरह से ये एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई, एक झूठ, एक दुष्प्रचार करने की कोशिश की गई कि मुसलमान लोग UPSC जिहाद चला रहे हैं, मतलब UPSC में शामिल होने के तरह तरह के तरीके आजमा रहे हैं, और UPSC में अगर मुसलमानों की बहुतायत हो गई तो आप समझिए कि देश की नौकरशाही का चरित्र क्या हो जाएगा, जबकि इसमें रंच मात्र भी सच्चाई नहीं थी, ये तथ्यात्मक रूप से सिद्ध हो चुका है। और लेकिन चूंकि सुदर्शन टीवी मुसलमानों के खिलाफ लगातार प्रचार करने में लगा रहता है, दुष्प्रचार करने में लगा रहता है, वो हिंदुत्ववादी है, हिंदू परिवार जो है, संघ परिवार हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा हुआ है, उसके साथ उसके मेलजोल हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम जो BJP के नेता हैं उनके साथ उनकी निकटता है, और उसी तरह के कंटेंट को बनाते हैं। और ये ऐसा ही कुछ कंटेंट था जो भारतीय जनता पार्टी है, संघ परिवार है, उसके एजेंडे से मैच करता है। तो जब इस पर सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और फिर उस पर लंबी बहस हुई, और फिर केंद्र सरकार को आदेश दिया गया कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए। अब सरकार ने वो सारे
टेप्स देखे, सारे प्रोग्राम देखे, 5 एपिसोड वो टेलीकास्ट कर चुका था, यानी जो गंदगी उसे फैलानी थी वो एक तरह से फैला चुका था। उसके बाद सर उसके प्रोमो और जो दूसरी चीजें हैं उसको लेकर भी सवाल उठे थे, तो सरकार ने उनकी जांच की और जांच के बाद क्या रिपोर्ट दी, पहले मैं उसके अंश आपको पढ़ देता हूँ, ये अंग्रेजी में, फिर मैं उनका तर्जुमा भी कर दूंगा। द टोन एंड टर्नर ऑफ द एपिसोड्स टेलीकास्ट डू इंडिकेट दैट द चैनल हैज थ्रू अटरेंसेज एंड ऑडियो विजुअल कंटेंट ब्रीच द प्रोग्राम कोड। मतलब चैनल ने अपने कार्यक्रमों के जरिए, अपने ऑडियो विजुअल कंटेंट के जरिए और जो कुछ बोला है उसके जरिए जो प्रोग्राम कोड है केबल एक्ट, केबल टीवी एक्ट 1995 का, उसको तोड़ा है, उसका उल्लंघन किया है। द मिनिस्ट्री फाइंड्स दैट दे आर नॉट इन गुड टेस्ट, यानी वो एक तरह से आक्रामक है। गुड टेस्ट का मतलब सिर्फ इससे नहीं है कि उनका स्वाद अच्छा नहीं था देखने में, ऐसा नहीं था, उसको वो बहुत ही आक्रामक थे, ऑफेंसिव, हमलावर थे, एंड हैज लाइकलीहुड ऑफ प्रमोटिंग कम्युनल एटीट्यूड्स, यानी वो उसमें पूरी संभावना थी, उसमें पोटेंशियल है कि वो कम्युनल सांप्रदायिक सोच को प्रमोट करने वाला था। अब देखिए कि प्रोग्रामिंग कोड का भी उसने उल्लंघन किया है और उसका पूरा प्रोग्राम जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला भी है। अब अगर केबल टीवी एक्ट का इस पैमाने पर उल्लंघन किया गया है तो आप किसी सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? जाहिर है कि अगर बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ है तो बड़ी तरह की सजा उसको दी जानी चाहिए, दंड दिया जाना चाहिए, और दंड का प्रोविजन भी केबल टीवी एक्ट में दिया गया है। कायदे से चैनल से माफी मांगने के लिए कहना चाहिए, वो सारे प्रोग्राम्स हटाने के लिए कहना चाहिए, और अगर उससे भी ज्यादा है तो कुछ हफ्तों या महीनों के लिए उस चैनल के लाइसेंस को सस्पेंड कर देना चाहिए, उसके प्रसारण रोक देना चाहिए, तो जो कि सुदर्शन टीवी के मामले में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तमाम हदें लादकर इस तरह की घटिया सामग्री, जहरीली सामग्री प्रसारित करता रहता है। लेकिन हमारी सरकार ने क्या किया, हमारी सरकार ने उसे एक वार्निंग दी, प्यारी सी मीठी सी चेतावनी दी और कहा कि अगर भविष्य में कुछ हुआ तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये छोटा मोटा मामला नहीं है, आप ये सोचिए कि अगर इस तरह की हरकत किसी और चैनल ने की होती जो सरकार के विरोध में खड़ा है, ये सरकार की आलोचना करता है, ये सरकार से सवाल पूछता है, तो उसका क्या हश्र इस सरकार ने किया होता। निश्चित रूप से उस सरकार उस पर टूट पड़ती, उसके खिलाफ कार्रवाई करती, उसके प्रसारण को रोकने की कोशिश करती, एनडीटीवी के मामले में उसने पहले किया भी था। तो ये सरकार का रवैया जो है इस तरह के चैनलों के प्रति एक नरम है, पक्षपातपूर्ण है, ये फिर साबित होता है। अभी आपने 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के तबलीगी मामले में, तबलीगी जमात वाले मामले में रवैया देखा था सरकार का, जब उसने 2 हलफनामे जो पेश किए, वो भी चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच के सामने, उन दोनों हलफनामों से बोबडे की जो बेंच थी वो संतुष्ट नहीं थी, उसने असंतोष जाहिर किया कि आपने ये नहीं बताया कि क्या कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई हो सकती है, आपने अपने पूरे हलफनामे में केबल टीवी एक्ट का जिक्र भी नहीं किया। तो ये कतई स्वीकार्य नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है, और अब हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस समय सरकार के प्रति क्या रवैया है, इस तरह के इश्यूज के बारे में क्या रवैया, इसके बावजूद उसने इस तरह की टिप्पणी की और सरकार को लताड़ लगाई, क्योंकि तबलीगी जमात वाले मामले में आरोप ये है कि बहुत सारे न्यूज चैनलों ने बहुत ही जहरीला कवरेज किया था तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए, तबलीगी जमात के नाम पर पूरे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए, और एक कोरोना जहाद का एक दुष्प्रचार करने के लिए, कहते हैं कि पूरे मुस्लिम समाज को कहना चाहिए कि खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, और लगातार इस तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले कंटेंट प्रसारित किए थे, जिसमें जी टीवी, रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ, इस तरह के चैनल अव्वल थे, सुदर्शन टीवी तो जाहिर है वो था ही। लेकिन उस मामले में भी
हमारी सरकार बहुत ही नरम है, वो बहाने तलाश रही है, वो ये कह रही है कि ये तो NBSA ठीक कर सकता है, यानी नेशनल ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो कि एक सेल्फ रेगुलेशन की बॉडी है, जिसके हाथ में न कोई अधिकार है, न वो दंड दे पाती है, न उसके दंड को कोई मानता भी नहीं है, उसके निर्देशों का कोई पालन भी नहीं करता, और बहुत सारे चैनल तो उसके हिस्सा ही नहीं, जैसे रिपब्लिक टीवी भी NBSA का हिस्सा नहीं है, तो वो उस पर छोड़कर मुक्त हो जाना चाहती थी। तो साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार ऐसे चैनलों, ऐसे मीडिया संस्थानों के प्रति बहुत नरम है, उनको पूरी छूट देना चाहती है कि वो चाहे तो सरकारी लाइन को टो करते हुए, उसको प्रमोट करते हुए, प्रोपेगंडा के स्तर पर सरकार का समर्थन करते हुए जो चाहे प्रसारित करें, सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और ये बार बार साबित होता रहा, ये दो मामले ही नहीं हैं, जिस तरह से अर्णब गोस्वामी को दो बार सरकार ने सपोर्ट किया उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिलवाने में और उनको राहत दिलवाने में, जेल से छुड़वाने में, ये तमाम तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं। अमीश देवगन का मामला भी हमारे सामने, तो इस तरह के जितने भी इस तरह के चरित्र के लोग हैं जो कि सांप्रदायिक जहर उगलते रहते हैं दिन रात, लोग, एंकर, रिपोर्टर या फिर चैनल या मीडिया संस्थान, उनकी रक्षा में हमारी सरकार तैनात है। और ये सुदर्शन टीवी के मामले ने एक बार फिर से साबित किया है कि वो उसका इरादा क्या है। अब सवाल उठता है कि कोर्ट क्या करेगा, क्योंकि ये DY चंद्रचूड़ की अदालत है जो जिसने अभी सुप्रीम अर्णब गोस्वामी को तुरंत छोड़ दिया था, पब्लिक पर्सनल लिबर्टी का आधार बनाते हुए, जिसको बोबडे ने खारिज भी कर दिया एक तरह से, ये कहते हुए कि हम आर्टिकल 32 के मामले में ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, तो दोहरा रवैया वहाँ हमें सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिला था। तो अब DY चंद्रचूड़ इस मामले में क्या करेंगे, क्या वो सरकार के इस एफिडेविट को और इस कार्रवाई को स्वीकार कर लेंगे कि ठीक है, सुदर्शन टीवी को आपने वार्निंग दे दी, मामला खत्म हो गया, अपने अपने घर जाइए, या फिर वो अब सरकार पर दबाव डालेगी कि नहीं, इस चैनल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसने जितना भी इस तरह का कंटेंट बनाया है उसको जब्त किया जाना चाहिए, उसको तमाम YouTube या जहां जहां भी उपलब्ध है वहां से हटाया जाना चाहिए, और इस चैनल को कुछ समय के लिए प्रसारण उसका रोक दिया जाना चाहिए, और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए भी कहना चाहिए। क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट पूरी इंडस्ट्री को एक मैसेज देने के लिए इस तरह की कड़ी कार्रवाई के लिए सरकार को बाध्य करेगा, कर पाएगा, ये हम आगे देखेंगे जब दो हफ्ते बाद ये सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल आज के दिन सरकार के रवैये से हमें निराशा हुई है, और हमारा ये जो विश्वास है ये एक बार और पुख्ता हुआ है कि ये सरकार ऐसे लोगों, ऐसी शक्तियों, ऐसे चैनलों, मीडिया संस्थानों या दूसरी जगह काम करने वालों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाएगी, उनका समर्थन करेगी, उनका सहयोग लेगी और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेगी, इनकी मदद से उनका बाल भी बांका नहीं होने देगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो रिपोर्ट, उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक sathhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।